दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीएड विभाग के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर जोलीकर डॉक्टर छाया रानी ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करके किया। नेताजी की जयंती पर बीएड विभाग की छात्राओं द्वारा पोस्टर भी बनाए गए। पोस्टर के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रदर्शित किया गया। छात्राओं ने नेताजी की जयंती पर उनके जीवन के विषय में विचार व्यक्त किए। उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे उनका लहू का एक एक कतरा देश के लिए निछावर हुआ था। स्वाति शर्मा ने नेताजी के ऊपर एक कविता गाई जिसमें सभी छात्राओं में उत्साह उत्पन्न हो गया। संध्या मौर्य ने नेताजी के ऊपर कविता विश्व हिंदू जी हमारी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जोलीकर ने नेताजी के विषय में बताया कि वे एक राष्ट्रवादी युवा क्रांतिकारी नेता थे। वह पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। वे आजादी को अपने वतन को और स्मृति को समझते थे। उनके भाषणों में आजादी की बात प्रमुखता से होती थी। डॉक्टर छाया रानी ने बताया कि केवल विचारों को सुन सुनकर हम अपने जीवन में ला नहीं सकते, हमें सबसे पहले उन विचारों पर कार्य भी करना होता है। डॉक्टर मणि मंसल ने कहा कि हमें उनके विचारों पर अमल करके पथ का नेतृत्व करना चाहिए। श्रीमती सुषमा ने बताया कि उनके अंदर आत्मविश्वास संघर्षों से आया है। संघर्षों से ही वे मनुष्य बने हैं। हमें संघर्षों से कभी नहीं घबराना चाहिए। कार्यक्रम में विभाग अध्यक्षा ने अपने विचार के माध्यम से छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अरुणा शर्मा ने किया। कार्यक्रम में श्रीमती सुषमा व श्रीमती विदुषी यादव का विशेष योगदान रहा। आज हमारे दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीएड विभाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर जॉली गर्ग और डॉक्टर छाया रानी मैम रही, जिन्होंने पुष्पार्पण करके उनकी प्रतिमा पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे एक राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने अपने विचारों से अपने जोश से छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं अपने देश के लिए, अपने एक एक खून के कतरे तक को कहा कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा रहेगा मैं अपने देश के अपने बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अपने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रवादी नेता थे। जिस तरह उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में कहा कि मैं जन्मजात ही मेरे अंदर जीवन में प्रतिभा नहीं थी, मेरे अंदर जो प्रतिभा आई है वो संघर्ष से आई है। संघर्ष जो हमारा होता है वो एक आंतरिक नैतिक मूल्य ही होता है। हमारे राह में चाहे कितने भी पत्थर क्यों ना आए, कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन यही कठिनाइयाँ इन्हीं समस्याओं का समाधान करके हमें अपने पथ पर अग्रसित होते रहना चाहिए। यही उनके जीवन का उद्देश्य था और यही हमने छात्राओं को बताया है और उन्होंने अपने पोस्टर के माध्यम से भी समझाया है जो उनके विचार थे, जो उनके प्रेरणादायी स्रोत थे, कि हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हीं के विचारों को हमें सीखना चाहिए और अपने देश के लिए बलिदान जब चाहिए तो मर मिटने की जो एक विचार होती है वो विचारधारा हमारे खून में होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।